बामोली आदर्श गांव सेवा सहकारी समिति के सभी 12 संचालक मंडल सदस्यों का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी मीणा के अनुसार गुरुवार को समिति का चुनाव होना तय था, जिसमें समिति के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा 12 वार्डों में संचालकों का चुनाव करवाना था, जहां सभी 12 वार्डों से निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। जारी परिणाम में वार्ड 1 से अंजना चौधरी, वार्ड 2 से तुलसीराम, वार्ड 3 से फूल सिंह, वार्ड 4 से जनाधर, वार्ड 4 से बच्चू सिंह, वार्ड 6 से अशोक कुमार शर्मा, वार्ड 7 से पप्पी देवी, वार्ड 8 से रामोतार मीणा एसटी आरक्षित वर्ग, वार्ड 9 से उदयराम एससी आरक्षित वर्ग, वार्ड 10 से मधुसूदन, वार्ड 11 से विक्रम सिंह, अरिणी में से राजाराम चौधरी को निर्विरोध संचालक मंडल का सदस्य घोषित किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी मीणा, राजकुमार चौधरी, सत्य प्रकाश चौधरी सहित कई व्यवस्थापक भी मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी मीणा, ग्राम सेवा सहकारी समिति बांबोली, आज यहां प्रबंधकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिसके तहत समय 9 से 11 में हमें 12 नाम निर्देशन फार्म प्राप्त हुए, जो जांच के उपरांत सही पाए गए, जिनकी सूचना 4:30 बजे समिति मुख्यावास की सूचना पट पर चस्पा कर दी गई। उसके बाद 5:30 बजे प्रबंधकारिणी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जिसमें 1 SC 1 ST 2 महिला और 8 सामान्य प्रबंधकारिणी के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए।